गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सुबह से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आई होप आप सब लोग ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह को हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली है, तो अभी मैं आई हूँ बेड बनाने। तो इस वाले बेड पे मैं, मम्मी और रियो सोते हैं। तो फ्लैट की वजह से ना मैट्रेस वगैरह सब कुछ ख़राब हो गया, तो नया बनाने का टाइम ही नहीं मिला। इतने में भैया की तबीयत ख़राब हो गई, फिर उनकी डेथ वगैरह सब मिला के अभी तक नया मैट्रेस इस बेड का नहीं बना है, तो वही चल रहा है। तो बेड बना लिया है, उसके बाद में सुबह का ब्रेकफास्ट हो चुका था। तो ब्रेकफास्ट में हमारे घर में चावल ही बनता है, और मेरा तो ऐसा नहीं है मैं रोटी खा सकती हूँ, पर मैं अकेले बना के खाऊँ मुझे अच्छा नहीं लगता, बाकी कोई नहीं खाएगा। इस वजह से मैं भी कभी कभार मम्मी के साथ चावल खा लेती हूँ। तो कल का मैंने ब्रेड बचा हुआ था 3-4 पीस, तो मैंने ब्रेकफास्ट में वो ही खाया है। तो मैंने मम्मी को बोला बर्तन रख दो, मैं धो दूँगी। तो वैसे तो मम्मी नहीं देती है, बोलती है नहीं तुम नहीं मतलब सकोगे करना। तो मैंने बोला नहीं मैं कर लूँगी। तो बर्तन जो थे मैंने धो दिए। मम्मी घर पे आज खाना बना रही है, हमेशा घर पे करती हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है ऐसे बाहर में आके फिर कपड़े धोना, बर्तन धोना, कुछ नया नया हमेशा करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट सब काम हो गए हैं। अभी तक ये उसको एप्पल काट के दूंगी, वो खाएगा, उसके बाद में खेलेगा। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। मैगी अच्छे तो मैगी बिकाले, एपन एप्पल खाओ, एपन एप्पल खाओ। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, 12 बजे, पर रियो आजकल ना यहाँ पे आने के बाद 5:30-6 को उठ जाता है, तो इस टाइम पे रियो को बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो मैं क्या करती हूँ उसको, मतलब मैं समझ के जो करना होता है, जैसे खिलाना होता है खिला देती हूँ। तो रियो ने सुबह को थोड़ा चावल खाया था, अभी मेरे साथ उसने फिर से थोड़ा चावल खाया दो जाने वाले जैसे। तो अभी मैंने नहा के अभी उसको मैं एप्पल दूँगी, वो खा के सो जाएगा। 3:30 अराउंड वो उठ जाता है सो के, फिर मैं उसको थोड़ा सा चावल दूँगी। तो सब काम हो गया, मम्मी यहाँ पे खाना बना रही है। बीच में 2 दिन ऐसा था कि सब्जी ही नहीं था, अभी घर में सब्जी ही सब्जी है। अभी टाइम कितना होगा, 12:30 अराउंड। तो यहाँ पे सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है। दोपहर का लंच भी मम्मी बना रही है, पीछे आप लोग देख पा रहे हो, और मेरा एप्पल काटना भी हो गया है। तो चलिए रियो को दे के आती हूँ, वो फिर सोएगा। रियो बेटा मम्मा के दे दो, रखे दे, चार्जे लगाओ ना, रखते हुए तुम घूम के उठे तार खेलो, ठीक है। माँ कितना रन्ना हो रहा है इसके, तो झूल से आलू बैगनी झूल, टमाटर चटनी, भिंडी भजा, आलू आज आलू तो हमने किच्छू करतम ना, रात्रे रात्रे बोरा करते वाली ये भिंडी भाजा, এটা শুধু আমার আর মার জন্য, কারণ কেউ খায় না, একটু ছিল মা বানিয়েছে, ভাতও আছে। तो रियो को सुलाने के बाद मैं गई थी आज नहाने, क्योंकि वो 12:30 के अंदर वो सो गया था। तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, मैंने सोचा मैं नहा के आऊँगी, कुछ कपड़े भी धोना है, तो रियो को सुला देती हूँ, उसके बाद में ज़्यादा कुछ काम नहीं है आज, तो मम्मी खाना बना रही है, मैं बाद में नहा के आ जाऊँगी। तो कुछ कपड़े मैंने भिगो के रखे थे, कल गई थी बाज़ार तो मैं टॉप्स वगैरह भिगा के रखी थी, तो वही धो रही हूँ। नहाना हो गया है, अभी जाऊँगी घर, और उसके बाद में हम लोग खाएंगे लंच। लंच में आप लोगों को तो दिखाई दिया है क्या बना है, और यहाँ पे देखिए कपड़े सब कुछ बाहर ही करना पड़ता है। तो जो पहले के धुले हुए थे वो सूख गए थे, मम्मी वो देख देख के लेके जा रही है। और यहाँ पे मेरा हाउस कोट वगैरह थोड़ा सा भीगा हुआ था, तो मम्मी ने ऊपर में दे दिया, सूख जाएगा। और मैं भी धो रही हूँ, धो के मैं भी टांग दूँगी, क्योंकि
अंधेरा होते होते मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे। और सिलचर में ना सडनली बारिश शुरू हो जाती है। अभी तो मैं जब से आई हूँ वेदर ठीक ही है, बस एक दो दिन बीच में थोड़ा सा गर्म था, बाकी रात को बारिश होती है, दिन में भी वेदर थोड़ा ठंडा रहता है, धूप आता है फिर भी इतनी ज़्यादा गर्म नहीं लगती। तो देखिए कपड़े देना हो गए, मम्मी भी कुछ टांग के दे रही है, और मैंने रस्सी पे दिया था तो रस्सी थोड़ा नीचा है, सर पे लग जाता है, इसीलिए एक मम्मी ने एक बैम्बू रखा है उससे ऊपर में करके दे देती हूँ। तो रियो उठ गया है अपना एक नैप, देखिए ये मेरी चाची की बेटी है, तो ये और चाचू की जो बेटा है वो दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं रियो से, प्रीत से भी करते हैं। तो रियो बोल रहा है अभी वो थोड़ा घूमने जाएगा, बाहर ही जाएगा घर के बाहर, उसके बाद में मैं उसको लंच करवाऊँगी। तो वही रियो का मतलब रियो ना अपना दीदी भाई का वेट कर रही है, मतलब मेरी दीदी की बेटी का, वो आज एग्ज़ाम देने स्कूल गई है, वो आएगी उसके बाद में रियो भी खाएगा बोल रहा था। तो मैं रियो को थोड़ा घुमा के लाती हूँ बाहर से, वो घूम के आएगा उसके बाद में वो खुद से खाएगा। तो चलिए ब्लॉग को देखते रहिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो रियो देखिए अकेले अकेले जा रहा है घूमे घूमे करने, बोलो खे नहीं तोरे बात दिमु नहीं हमारे ना घुमा लागल हैं दे बेसी जो खाई थे। तो अभी मैं बैठी हूँ खाने और रियो भी सो के उठ गया है, और रियो खा रहा है अपने हाथ से, खाओ जल्दी जल्दी खाओ, खा रहा हूँ भिंडी फ्राई आलू बैंगन की सब्जी और टमाटर की चटनी। चटनी चाहिए ना ना, इधर मरीच मरीच तो अच्छा दिखो दिखो। और ये रही मम्मा का, माँ भी खा रही है अभी मेरे साथ झाल, किंतु तो गाइज हम लोग का खाना वगैरह हो गया है, और अभी टाइम हो रहा है अंधेरा होने का, मतलब शाम हो गई है, आप लोग को दिख ही रहा होगा धूप चली गई है। तो मैंने थोड़ी देर पहले जो कपड़े धोए थे वो थोड़े से भीगे हुए हैं, तो इन सबको मैं अलग से घर पे रस्सी है टंगा हुआ उसमें मैं दे दूँगी, तो वो सूख जाएगा कल होते होते। और बाकी रियो का एक मैंने शू भी धो के दिया था, तो वो टीन के ऊपर देने से ना इतना अच्छा धूप आता है कि दो तीन घंटे में ही सूख जाता है। और अभी खाने का जो बर्तन निकला था वो मम्मी ने धोया, मम्मी बोल रही है तुम कपड़े लाओ भीगे हुए कपड़े घर पे लाओ क्योंकि अंधेरा हो गया, और मम्मी बोल रही मैं बर्तन धो के लाती हूँ। तो आज मेरी दो दीदी आई है, मतलब भैया से छोटे हैं वो दोनों दीदी आई है, घर पर बैठी हुई है, तो वो लोग चले गए थे। अभी टाइम हो रहा है 9:45, मम्मी अभी कर रही है तुरई का तुरई फ्राई कर रही है बेसन के साथ, हम लोग तो बोलते हैं झिंगर बोड़ा, तो मम्मी वही बना रही है। मैंने बोला था कुछ फ्राई करो क्योंकि दोपहर को मैंने खाया था तो मुझे कुछ फ्राई चाहिए था, तो मैंने मम्मी को बोला कुछ बनाओ, तो मम्मी वही बना रही है। तो चलिए मम्मी को करने देते हैं झिंगर बोड़ा, और मैं दीदी भाई को बुला देती हूँ, हम सब रात को एक साथ में बैठ के खाते हैं। और पता नहीं करंट कब चला जाए, दुर्गा पूजा के टाइम सिलचर में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, तो यहाँ पे गर्मा गर्म झिंगर बोड़ा रेडी है, हम लोग अभी खाएंगे। और मैं कुछ भी नहीं लेने वाली, सब्ज़ी फिर और क्या क्या बना था चटनी वगैरह कुछ भी नहीं लूँगी, अभी मैं खाऊँगी झिंगर बोड़ा के साथ गर्म गर्म चावल और साथ में मिर्च। तो चलिए खाते हैं, आप लोग ब्लॉग को देख सारा प्यार दीजिएगा।